चलिए आज हम लोग जानेंगे कि जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसका ड्रेन वाला वाल्व कैसे काम करता है, यानी अगर कभी खराब हो जाए या कभी हमारा पानी इसमें कपड़ा धुल रहा है लेकिन गंदा पानी बाहर नहीं निकल रहा है या फिर निकलने में बहुत टाइम ले रहा है तो आखिर हम क्या करें। यानी वॉशिंग मशीन कपड़ा धुल तो रही है लेकिन जो गंदा पानी उसको बाहर नहीं निकल पा रही है तो क्या हुआ हो सकता है। देखिए इसमें होता क्या, हमने पावर को ऑन करके एक बार चालू करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये स्क्रीन पर ऑप्शन क्लिक किया। देखिए यहाँ नज़दीक दिखाइए, देखिए ये किस तरह से खींच रहा है। एक बार फिर से बंद करके इसको चालू करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमने पावर को ऑन किया और यहाँ से जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए ये इस तरह से मोटर को खींचता है। ये मोटर है इस तरह से खींचता है, जिस प्रकार से हमें हमारी सभी वॉशिंग मशीन में ये ड्रेन वाल्व लगा होता है, ड्रेन डोरी लगी होती है जो पॉइंटर को खींचता है, यहाँ पर एक मोटर खींच रहा है। और अगर कभी कभी ये मोटर खींचता तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं खींच पाता है, या कभी अगर इसमें सिक्का वगैरह फंस जाए तो हम कैसे चेंज करेंगे वो भी समझेंगे। ये पूरी तरह से नहीं खींच पाता है तो क्या होता है, पानी इसका बहुत स्लो करके निकलता है, धीरे धीरे करके निकलता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या हुआ हो सकता है, तो इस अवस्था में तो हम मोटर को खराब नहीं मान सकते कि मोटर खराब है। नहीं, मोटर तो सही है ना, क्योंकि अगर मोटर सही नहीं होता तो ये बिल्कुल भी नहीं खींचता, ये खींच रहा है तो मोटर सही है। हाँ, ये पॉइंटर जो है, ये जो जगह है वो नहीं खींच पा रहा है, वो अलग बात है। ये उतना बाहर नहीं निकल पा रहा है जितने से पानी बाहर निकले, वो अलग चीज हो गया। चलिए हम इसकी पावर को बंद करते हैं, पावर को बंद करते हैं और यहां पर समझते हैं। देखिए जिस प्रकार से हमारी सभी वॉशिंग मशीन में पानी निकलता है नॉर्मल वाली में, उसी तरह से इसमें भी निकलता है। यह एक ड्रम है और इस ड्रम के यहां से देखिए एक पाइप निकली हुई है, इस पाइप से पानी यहां से जाएगा और यहां से होकर के इस पाइप के माध्यम से बाहर निकलेगा। तो होगा क्या कि अब इसके अंदर एक रबड़ लगा होता है जो कि अगर अंदर के साइड में रहता है तो इस रास्ते को ब्रेक कर देता है, मतलब रोके रहता है। उस समय रोके रहेगा तो क्या होगा, ये पानी यहां से इसका बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर ये इसको खींच लेता है तो वो रबड़ स्प्रिंग के जैसा होता है, वो भी खिंचाता है और उसके बाद पानी यहां से बाहर निकलता है। हम आपको एक बार वो रबड़ निकाल के दिखाते हैं कि अगर कभी वो रबड़ निकालना पड़े या फिर अगर इस वॉशिंग मशीन में कोई सिक्का या कोई चैन वगैरह या किसी का घर का कोई भी सामान अगर छोटी मोटी, मतलब जो जेब वगैरह में रख के धुल देते वो आती है तो वो इसी में फंसा रहता है, कोई लोहा वगैरह हो तो उसको भी अगर ये फंस गया तो हम कैसे निकालेंगे। जिस प्रकार से हम इस रबड़ को चेंज करेंगे, कभी 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 क्या होता है वॉशिंग मशीन कपड़े को धो लेती है और गंदा पानी बाहर नहीं निकलता, ये प्रॉब्लम आती है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वॉशिंग मशीन कपड़े को धो ही नहीं पाती और पानी डायरेक्ट बाहर निकलता है तो भी यहीं से प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ऑप्शन है ना, देखिए ये जो स्क्रू के जैसा दिख रहा है, ये जो वाल्व है इसको हम खोलेंगे और ये हमारी जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी इसी प्रकार से होता है और ये फुल्ली ऑटोमेटिक में भी देखिए इसी प्रकार से। इसके देखिए जब सभी चूड़ियों को खोल लेंगे ना तो ये रबड़ यहां से देख सकते हैं इस तरह से दिखाई देने लगेगा, लेकिन ये मोटर में फंसा हुआ है। अभी इस मोटर की ये जो प्लास्टिक है, देखिए मोटर की ये जो प्लास्टिक है, इसको थोड़ा सा नीचे करके और अंदर की साइड में करके यहां से इसको निकालना होगा। अगर चाहे तो इस मोटर को भी निकाल सकते हैं लेकिन यहां से शॉर्ट में निकाल सकते हैं। यहां से हम इसको नीचे की साइड में दबाएंगे, थोड़ा अंदर की साइड में पहले करेंगे। तो देखिए यहां पर ये प्लास्टिक होता है इस तरह से और इसको ऐसे दबा करके निकालना होगा इस तरह से, और यहां से इसको हम इधर खींच लेते हैं। देखिए इस तरह से ये मोटर से हमने इसको अलग कर दिया, मोटर के पॉइंटर को अंदर दबा दिया और मोटर के पॉइंटर को हमने अलग कर दिया, अंदर कर दिया। अब ये इतना बचा हुआ है, अब ये जो मोटर का हमारे जो क्लच है यानी ब्रेक है, जो क्लच है जो स्पिन मोटर वास मोटर को रोके रहता है, इसको हमें पीछे की साइड में ऐसे खींचना है, पीछे की साइड में दबाना है और ये इस प्लास्टिक को थोड़ा सा इधर दबा करके इस तरह से, और इस रबड़ को भी हमें यहाँ से बाहर निकालना है। यहाँ से देखिएगा इसको हम पूरी तरह से पीछे की साइड में ऐसे दबाए रहेंगे और इस रबड़ को पॉइंट को यहाँ से हम खींच करके बाहर निकालेंगे। ये रबड़ इसमें थोड़ा सा टाइट होता है और ये रबड़ अगर गंदा वगैरह रहेगा तो देखिए इस रबड़ को हमें साफ करना होगा। तो यही वो रबड़ है। देखिए अब यहां पर देखेंगे कि इसका जो पॉइंट है इसके अंदर देखिएगा कैसा गैप है। ये जिस तरह से हमारी सभी वॉशिंग मशीन में होती है ना, इसके अंदर भी सेम उसी प्रकार से होता है। यहां पर पॉइंटर देखिए खाली है, पानी गंदा पानी को यही रबड़ अंदर चला जाता है, ये वाला रबड़ तो उसको रोक देता है, इस तरह से ये काम करता है। अब अगर ये रबड़ कभी कट जाए तो पानी डायरेक्ट बाहर निकलेगा, या फिर ये रबड़ खींचने के बाद भी इसके अंदर अगर कचड़ा वगैरह है तो वो कचड़ा इतना जाम हो सकता है कि पानी बाहर ना निकले। यानी रबड़ कट गया तो पानी डायरेक्ट बाहर निकल सकता है और रबड़ जाम हो गया तो पानी को बाहर निकलने से भी रोक सकता है, यानी पानी बाहर नहीं निकलेगा।
दिया। तो इस तरह से ये रबड़ लगा होता है, और जैसे हमारे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में होती है, ये रबड़ इस तरह से ऊपर से नीचे लगा होता है, और जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये ऐसे ऊपर की साइड में खींचता है तो पानी निकलता है। सेम वही प्रक्रिया यहां पर भी होती है। देखिए ये इस तरह से लगा होता है, और जब ये मोटर जो लगा है ड्रेन मोटर, ये इस तरह से खींचता है। खींचने की वजह से क्या होगा कि इसका पानी जो है वो बाहर निकलेगा, ये रास्ता क्लियर कर देगा, और जब ये छोड़ देगा ये रबड़ जाकर के रास्ते को बंद कर देगा, जिससे जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अगर इस रबड़ को चेंज करने की जरूरत पड़े, कट गया हो साफ करके देख लीजिए, अगर साफ करने से काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये रबड़ अलग से मिलता है मार्केट में, इसको दूसरा लगाएंगे और फिर से जिस प्रकार से इसको निकाले हैं उसी तरह से इस रबड़ को उसमें लगा करके दोबारा से इसको चालू करके सेट कर देंगे। तो देखिए दोबारा से इसको लगाने में थोड़ा सा बस यही देखना होगा कि ये जो क्लच वाला पॉइंट है इसको थोड़ा पीछे की साइड में खींचना है, और फिर इसको लगा करके इसके अंदर सेटिंग करके इसको बैठा देना है। देखिए इस तरह से रबड़ को हमने अंदर कर दिया, और ये जो पॉइंटर है इसको खींच करके इसको भी यहाँ पे बैठा देना है, और ये जो मोटर वाला है इसको हम टाइट कर देंगे। पहले ये रबड़ को हम इसमें लगा के टाइट कर लेते हैं, जिस प्रकार से हमने खोला, जिस प्रकार से सभी वॉशिंग मशीन में खुलता है उसी तरह से ये भी है इसके अंदर भी। बस सीधे सीधे साइड में चूड़ियाँ मिल जाएं, और उसके बाद इसको सेट करके इस तरह से बैठा देंगे गोल में घुमाते हुए। इस तरह से देखिए गोल में घुमाते हुए इसको सेट करके बैठा देंगे। ये पकड़ने के लिए ही है, खोलने के लिए बना होता है इसमें। इस तरह से इसको हम टाइट करेंगे। देखिए इस तरह से बढ़िया से टाइट कर दिया हमने, और यहाँ पर लगा दिया हमने। और ये जो पॉइंटर खींचता है, जो मोटर खींचता है ड्रेन मोटर हमारा, उसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ पर इसको सेट करने के लिए कुछ नहीं, इसके अंदर बस डाल करके इस तरह से देखिए सेट हो गया, बिल्कुल सही सेट हो गया। एक बार चलिए चालू करके हम आपको दिखाते हैं। इसका जो प्लग है यहाँ पर है, इस प्लग को हम बोर्ड के अंदर लगाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, पावर बटन को ऑन करते हैं, और ये स्पिन वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ दिखाइए, देखिए इस तरह से ये खींच रहा है। देखिए कैसे खींच रहा है, इस तरह से खींचता है। बंद करके आपको फिर से एक बार दिखाते हैं। देखिए हमने बंद किया तो ये डायरेक्ट छोड़ दिया, जैसे ही हमने चालू किया फिर से यहाँ से हमने स्पिन के ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट खोला, तो देखिए ये किस तरह से इसे मोटर को खींचता है, और इस तरह से ड्रेन खींचाने की वजह से बाहर निकलता है और जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ड्रेन मोटर काम करता है, जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर होता है। अगर इसके मोटर को चेक करना है सही है कि नहीं सही है तो वोल्टेज चेक करना होगा। ये 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है, सभी मोटर अलग अलग होते हैं। जो एसी का होता है वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई से भी काम करती है, ये इन्वर्टर टाइप वॉशिंग मशीन है इसलिए डीसी से काम करती है। चेक करने के लिए इस मोटर के अंदर तीन वायर होते हैं, मल्टीमीटर के एक तार को बीच में रखिए, दूसरे को दाहिने बाएं रखिए, दोनों पे 12 12 वोल्ट दाहिने बाएं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो समझिए पीसीबी के यहां से सब कुछ सही है, और सप्लाई आने के बाद भी मोटर नहीं चल रहा है तो मोटर खराब है, और अगर सप्लाई ही नहीं आ रही है तो फिर पीसीबी खराब है या फिर वायर का कंटिन्यूटी वगैरह भी चेक कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम ड्रेन मोटर को वॉशिंग मशीन में बड़े ही आसान तरीके से चेक कर सकते हैं, और उसको सही कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल या सुझाव बचा हो तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, दूसरा चैनल MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट को देखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।